नमस्कार दोस्तों, 80 किलो धूल से निकलता है 2.5 किलो सोना। जी हाँ, बहुत ही आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये हैरान करने वाली खबर है, लेकिन ये सत्य है। अत्याधुनिक मशीनों से तनिष्क ज्वेलर्स कर रहा है ये काम। जी हाँ, जाने माने तनिष्क ज्वेलर्स का ये बहुत बड़ा शोध है। जी हाँ, 80 किलो धूल से निकलता है 2.5 किलो सोना। तनिष्क के प्लांट में 80 किलो धूल व बेस्ट सामग्री को एकत्र कर अत्याधुनिक मशीनों की मदद से हर महीने करीब 2.5 किलो सोना निकाला जाता है। काम कर रहे कर्मचारी व अधिकारियों के कपड़े, कारीगरों के हाथ धोने वाले पानी व चप्पल में लगे धूल को एकत्र कर एम्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP की मदद से सोना निकाला जाता है। टाइटन इंडस्ट्रीज की ज्वेलरी डिवीजन तनिष्क इस बार दीपावली पर अपने नए प्लांट, आधुनिक मशीनों और आयातित कच्चे माल की बदौलत शुद्ध गहनों की रणनीति लेकर आ रही है। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित तनिष्क यूनिट में अमेरिका व जर्मनी से खरीदी गई अत्याधुनिक मशीनों में प्रतिदिन 1100 चेन, अंगूठी व हार सहित अन्य ज्वेलरी तैयार की जा रही है। तनिष्क इस कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होने वाला जिंक, सिल्वर और कॉपर अमेरिकी बाजारों से खरीदता है। हालांकि भारत में इसका दाम 6 गुना सस्ता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ग्राहकों की शुद्धता और क्वालिटी देने के लिए ही बाहर से महंगा माल मंगाया जा रहा है। बताते चलें कि तनिष्क ज्वेलर्स इस पर काफी पहले से काम कर रहा था, लेकिन तनिष्क ज्वेलर्स को लगभग पिछले कुछ महीने से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये बहुत बड़ा क्रांति हो सकता है अगर इस तरह से तनिष्क ज्वेलर्स बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम देता है तो। जी हाँ, धूल मिट्टी और बेस्ट चीजों से अगर ये सोने निकाले जा सकते हैं, इसको सोने में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, इससे मिलने वाले फायदे भी होंगे। आने वाले समय में सोना जिस तरह से बेतहाशा रेट सोने के भागे हैं पिछले कुछ महीनों में, उस तरह से देखते हुए ये बहुत बड़ी कदम हो सकता है और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसके रेट में भी कमी आएगी। जी हाँ, तो दोस्तों देखते रहिए इस तरह के और भी लेटेस्ट खबरों के लिए ऑल इंडिया न्यूज़।